आज मैं बना रही हूँ ये ब्यूटीफुल काठियावाड़ी नेकलेस, जिसको हम गरबे में पहन सकते हैं। और जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है डिफरेंट कलर की वूल, कौड़ियाँ, कुछ घुंघरू, फैब्रिक ग्लू, गोल्डन बीज, सिज़र, ब्लैक थ्रेड, कैनवस, फोक, एक फैब्रिक का टुकड़ा, निडल। तो सबसे पहले मैं ये वूल्स को इक्वल पार्ट्स में काटूँगी, चारों कलर की वूल्स को। ये जो टुकड़ा मैंने लिया है ये अराउंड 22 से 25 सेंटीमीटर है, तो ये एक एक करके मैंने चारों पार्ट्स को काट लिया, चारों कलर की वूल को। इसके बाद अब ये जो एक वूल का जो धागा है इसमें चार बारीक धागे होते हैं जिनको कि मैं अलग करूँगी। पहले मैंने दो दो के ग्रुप में उसको सेपरेट कर लिया, अब ये सिंगल स्ट्रैंड को ये मैंने अलग कर लिया। और इसको करने के लिए थोड़ा सा धीरे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये उलझ जाते हैं धागे और टूट जाते हैं। तो इसी तरह चारों कलर की जो वूल है उनके बारीक धागों को ये मैंने अलग करके रख लिया है। फिर किसी भी एक कलर की वूल का मैं छोटा टुकड़ा काट लूँगी और इसको फोक पे इस तरह से मैंने लगा लिया। और आप चाहें तो इसको सेलो टेप से भी फिक्स कर सकते हैं। फिर जो बारीक धागे हमने वूल में से निकाले थे उनको एक एक करके इस फोक पर इस तरह से रैप कर देंगे। एक के ऊपर एक ये सारे स्ट्रैंड्स हम रैप करते जाएंगे एक एक कलर के टर्न वाइज। ये सारे के सारे स्ट्रैंड इस पर मैंने रैप कर दिए हैं। अब जो नीचे छोटा टुकड़ा हमने लिया था उस पर से टेप हटाकर उसकी गांठ मैं इस पर लगाऊंगी। दो से तीन गांठें हमको लगानी पड़ेंगी और थोड़ी सी टाइट, ताकि ये धागे जो हैं बाद में निकले नहीं। देखिए फोक से निकालने के बाद भी मैंने एक गांठ और इस पर लगाई है एकदम टाइट। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं हम उनको ऐसे काट लेंगे और ये हमारा बन रहा है मल्टी कलर का पॉम पॉम। अब इसकी एंड्स को हम काट के तो फिनिशिंग दे लेंगे। और जितना छोटा हम उसको रखेंगे उतना पॉम पॉम अच्छा बनेगा। जितनी भी रफ एजेस हैं, एक्स्ट्रा धागे हैं, उनको निकाल लें। और ये हमारा मल्टी कलर पॉम पॉम जो है वो रेडी हो रहा है। देखिए ये पॉम पॉम रेडी हो गया। इसी तरह जो बाकी के हमने चार रंग के ऊन के धागे लिए थे उन चारों से हम ये पॉम पॉम बना लेंगे। और सभी कलर के 5 से 6 पॉम पॉम हमको रिक्वायर्ड होंगे। फिर एक पतले गत्ते का टुकड़े का 6x6 सेंटीमीटर का टुकड़ा हमने लिया है और जो फैब्रिक हमने लिया था उसके ऊपर इसको रख कर उससे थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा हम फैब्रिक का काट लेंगे। ये फैब्रिक जो है ये थोड़े से ब्राइट कलर का हम लेंगे जो कि नेकलेस में अच्छा दिखे। फिर इस गत्ते पे फैब्रिक ग्लू लगाकर वो फैब्रिक का टुकड़ा इस पे हमने चिपका लिया। ये जो कपड़ा मैंने लिया है ये कॉटन का है। कॉटन का कपड़ा ही प्रेफरेबल होता है, अदरवाइज वो फैब्रिक ग्लू से इतना अच्छे से चिपकेगा भी नहीं। इनके कॉर्नर्स हम इस तरह से निकाल लेंगे। और ये चारों कोनों को एक एक करके इस गत्ते पे चिपका लेंगे। लास्ट में अगर कोई धागे निकल रहे हैं तो हम उसको ट्रिम कर सकते हैं। अब ये सुई में मैंने ब्लैक थ्रेड डाला है। ये जो थ्रेड मैंने लिया है ये एंकर का थ्रेड है जो एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होता है। सबसे पहले हम इसमें ये घुंघरू डालेंगे। लास्ट में हमने जो इसमें गांठ लगाई थी, जो नॉट लगाई थी, उसमें से ही हम निडल को पास कर रहे हैं ताकि वो घुंघरू जो है अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ ये मल्टी कलर का पॉम पॉम। उसके बाद इसमें मैं कौड़ियाँ डाल रही हूँ। कौड़ियाँ हम कितनी भी डाल सकते हैं, 2-3 जितनी भी हमको इस नेकलेस में डालनी है।
फिर हम एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेंगे कि ये पॉम्पॉम को हमने किस सीक्वेंस में डालना है। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन सीक्वेंस डाला और फिर इस धागे को मैं ये फैब्रिक के टुकड़े में से पास करूँगी ताकि ये सब चीज़ें जो हैं ये पॉम्पॉम अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। इसी तरह एक एक करके, जैसे ग्रीन के बाद ब्लू, और फिर से वो धागे को कपड़े में से पास किया, और एक एक करके इसी तरह मैं सारे पॉम्पॉम्स डालती जाऊँगी एक सीक्वेंस में, और उसके बाद ये निडल को जो है फैब्रिक में से पास कर लूँगी ताकि सारे पॉम्पॉम अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। और इस कार्डबोर्ड के चारों तरफ ये लगा देंगे। हम इससे छोटा भी कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, 5x5 सेंटीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई साइज फिक्स नहीं है। अगर हम छोटा कार्डबोर्ड लेते हैं तो उसमें पॉम्पॉम्स भी हमको एक एक कम रिक्वायर्ड होगा। तो ये सभी तरफ मैं पॉम्पॉम लगा रही हूँ। हर बार ये निडल को हमने फैब्रिक में से पास करना है ताकि सारे पॉम्पॉम जो है ना अपनी जगह पर ही रहें और बाद में निकले नहीं। तो ये लास्ट पॉम्पॉम मैंने डाला और फिर से निडल को फैब्रिक में से पास किया, और लास्ट में इसको सिक्योर करने के लिए एक नॉट हम लगा देंगे। तो ये हमारा पेंडेंट जो है उस नेकलेस का वो रेडी हो गया है। अब इसकी डोरी हमने बनानी है, जैसे एक डोरी मैंने बना दी है ऑलरेडी, दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ। ये निडल में मैंने धागे को डालकर उसमें नॉट लगाई और फिर इसको इस गत्ते में से और फैब्रिक में से पास किया। 4 से 5 गोल्डन बीड्स इसमें डाले हैं मैंने। आप चाहें तो लेंथ ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा गोल्डन बीड्स भी डाल सकते हैं, और फिर एक फिक्स सीक्वेंस में ये चारों रिमेनिंग पॉम्पॉम्स मैंने डाल दिए, और लास्ट में फिर से इसमें कुछ गोल्डन बीड्स। तो ये नेकलेस की बॉडी ऑलमोस्ट रेडी है, और ये धागे की लेंथ को हमको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा कि हमको कितना गले में आराम से आ जाएगा। अब इस थ्रेड को मैं एक ऐसी निडल में से पास करूँ जिसकी आई थोड़ी सी बड़ी है और दोनों धागे एक साथ उसमें से जा सकें। अब इसमें एक ये ब्लैक मोती मैं डालूँगी जो कि हमारे नेकलेस की लेंथ को एडजस्ट करने में काम में आएगा। तो इस नेकलेस को और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए लास्ट में मैं इसमें एक मिरर लगा रही हूँ। की बैक साइड को और फिनिशिंग देने के लिए जो बुकरम हमने लिया था या कैनवस का टुकड़ा हमने लिया था उसको भी 6x6 सेंटीमीटर काट कर इसकी बैक साइड पे हम फैब्रिक ग्लू से उसको लगा देंगे। आप चाहे तो इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ जो फैब्रिक हमने सामने की तरफ लगाया था उसका भी छोटा टुकड़ा काट कर हम इसके ऊपर और लगा देंगे ताकि उसका एंड जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। तो ये हमारा नेकलेस जो है वो रेडी है। लास्ट में इसके एक नॉट लगानी है ताकि सारे मोती जो हैं वो अपनी जगह पे ही रहें और निकले नहीं। तो ये हमारा काठियावाड़ी ब्यूटीफुल नेकलेस रेडी हो गया।